साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। इस समय जो क्लास प्रैक्टिस सेट की चल रही है, इसके अंतर्गत आज प्राचीन इतिहास का लास्ट चैप्टर है, अर्थात जिसे हम विविध प्रश्न के रूप में जानते हैं और पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे प्राचीन इतिहास से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, पूरे प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण, आज उसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। उसके बाद तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आज के जो टॉपिक है वह है विविध प्राचीन, अर्थात जो विविध प्रश्न होते हैं पूरे प्राचीन इतिहास से, उसकी चर्चा एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चलते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न है, पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी थी? ठीक, पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन देखिए, पहला है कंबोज, दूसरा है अशमक, तीसरा है गंधार और चौथा है सूरसेन। इसमें आपको बताना है कि कौन सी पुष्प कलावती की राजधानी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है गंधार। जो गंधार है वह पुष्प कलावती की जो राज्य है उसकी राजधानी थी। ठीक है, देखिए जो पुष्प कलावती है, इस स्थान की अगर पहचान की बात करें, ये पेशावर पाकिस्तान में चार संडा नामक स्थान पे इसकी उपस्थिति थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, मध्यकाल में पुष्प कलावती को शेखान ढेरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यह गांधार राज्य के पश्चिमी भाग की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? इसमें आपको देखिए ऑप्शन देखिए, कुषाणों से, दूसरा मौर्यों से, तीसरा सुंगों से, चौथा शकों से। देखिए थोड़ा तेज चलने का प्रयास करेंगे, इसमें प्रश्नों से प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्तों ने किससे पतलून पहनना सीखा था। ठीक, तो देखिए इसमें जो उत्तर है वह है कुषाणों से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि जैसे कुषाणों ने पायजामा, जो पतलून है इसे पायजामे भी कहा जाता है। ठीक है, एक ट्यूनिक होती थी जिसे कुर्ती कहा जाता था, ट्यूनिक अर्थात कुर्ती। उसके बाद लंबे कोट, टोपी, शिरस्त्राण, बूट, इस तमाम प्रकार का जो प्रचलन था उन्होंने भारत में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, शकों और कुषाणों ने उत्तम अश्वारोही, अश्वारोहण की परंपरा, लगाम जीन का प्रयोग, घुड़सवारी में रस्सी के रकाब का प्रचलन भी इन्होंने किया था। ठीक है, इस तरीके से तमाम बातें थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? ऑप्शन देखिए, ताम्र का, दूसरा कांस्य का, तीसरा रजत का, चौथा स्वर्ण का। इसमें आपको बताना है कि पुराण या धड़ के प्रकार की मुद्रा किस धातु का बनाया जाता था। ठीक है, देखिए जो इसमें उत्तर है वह है रजत अर्थात चांदी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? ऑप्शन देखिए, ताम्र का, दूसरा लोहा का, तीसरा सीसा का, चौथा रजत का। इसमें आपको बताना है कि रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी। ठीक है, देखिए इसमें जो आपको उत्तर हुआ है रजत की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश का लेखक कौन है? देखिए प्रकाश, जो प्राकृतिक प्रकाश है एक पुस्तक है, इसके रचयिता के बारे में पूछा गया लेखक, तो पतंजलि, दूसरा पाणिनी, तीसरा वर्ण, चौथा अमर सिंह। इसमें आपको बताना है कि प्राकृतिक प्रकाश के रचयिता
या लेखक कौन है? देखिए इसमें जो उत्तर है वह है वर रुचि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए। यहाँ पे मिलान का प्रश्न आ गया है कि सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो यहाँ पे चलिए मिलाइए। यहाँ पे देखिए जो गिरनार अभिलेख है वह है रुद्र दामन प्रथम। ठीक है, उसके बाद नासिक शिलालेख वह है पुलमापी का, उसके बाद इलाहाबाद स्तंभ लेख यह है समुद्रगुप्त का, और जो तीसरा भीतरी स्तंभ लेख वह है अस्कंद गुप्त का। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह हो जाएगा सी। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न संख्या 7 पे। इसमें दिया है कि प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी। ऑप्शन देखिए चंदेल शासकों के राज्यकाल में, दूसरा प्रतिहार शासकों के राज्यकाल में, तीसरा गुप्त शासकों के राज्यकाल में, चौथा सातवाहन शासकों के राज्यकाल में। इसमें आपको बताना है कि प्रबोध चंद्रोदय जो रचना है वो किसकी रचना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है चंदेल शासकों के राज्य काल में, जो पहला ऑप्शन है यही आपका सही है। ठीक है, देखिए जो चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के दरबार में प्रबोध चंद्रोदय के जो लेखक हैं उनका नाम है कृष्ण मिश्र निवास करते थे। ठीक है, उसके बाद शाहजहां के काल में मुंशी बनवाली दास ने इसका अनुवाद गुलजार हाल के नाम से किया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे। ऑप्शन देखिए महेंद्रपाल प्रथम के, दूसरा महेंद्र वर्मन प्रथम के, तीसरा दंतदूर के, चौथा हर्ष। इसमें आपको बताना है कि काव्य मीमांसा के जो लेखक राजशेखर है वो किसके दरबारी कवि थे। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह है महेंद्रपाल प्रथम, जो ए ऑप्शन है यही आपका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, इसमें दिया है कि मंदिर वैश्यावृत का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहा लेख में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखिए उज्जैन, दूसरा खजुराहो, तीसरा कोणार्क, चौथा रामगढ़। इसमें आपको बताना है कि मंदिर वैश्यावृत का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहा लेख से प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है रामगढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये मिलान का प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे नव सहसांक चरित्र जो है इसके रचनाकार हैं वह हैं पदम गुप्त। ठीक, और गौरव के लेखक हैं वह हैं वाकपतिराज। ठीक, उसके बाद राज तरंगड़ी के लेखक हैं कल्हड़, उसके बाद विक्रमांक देव चरित के लेखक हैं बिल्हड़। ठीक है, इस तरीके से जो आपका उत्तर सही है वह है ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 11, वाकपति मुंज एवं सिंधुराज के दरबारी कवि पदम गुप्त रचनाकार थे। ऑप्शन देखिए पृथ्वी रासो, दूसरा पिंगल सूत्र के, तीसरा नव सहसांग चरित्र के, चौथा प्रबंध चिंता मणि के। ठीक है, इसमें आपको बताना है
कि वाकपति मुंज और सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त रचनाकार थे। तो यहां भी जो आपका उत्तर सही हुआ है सी ऑप्शन, नव सहसांक चरित्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 12, विक्रमांक देव चरित्र का लेखक कौन था? ऑप्शन देखिए, कल्हण, दूसरा बिल्हण, तीसरा राजशेखर, चौथा बाण भट्ट। इसमें आपको बताना है कि विक्रमांक देव देव चरित्र का लेखक कौन था। ठीक, इसमें जो देखिए आप जो आपका उत्तर होगा वह है बिल्हण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, नेचुरल हिस्टोरिका, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा द पेरिप्लस ऑफ एरियंसी, चौथा इंडिका। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जो लैटिन भाषा में लिखा गया है। देखिए जो उत्तर होगा वह है नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सुप्रसिद्ध नाटक रंभा मंजरी की रचना निम्न में से किसने की? पहला ऑप्शन देखिए, गोविंद चंद्र है, दूसरे जयचंद है, तीसरे राजशेखर है, चौथे विद्यापति। इसमें आपको बताना है कि जो रंभा मंजरी नाटक है उसके रचनाकार कौन है। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर है वह है जय चंद, भी ऑप्शन इसमें सही। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है? ऑप्शन देखिए, गया के बारबर में, दूसरा ऑप्शन है जयपुर के बैराट में, तीसरा ऑप्शन है सांची के मंदिर गुफा संख्या 17 में, चौथा ऑप्शन है विदिशा के बेस नगर। इसमें आपको बताना है कि भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ से मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो उत्तर है वह बी ऑप्शन है, जयपुर के बैराट में। ठीक है, जो जयपुर का बैराट मंदिर है यह वृत्ताकार मंदिर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए मिलान का फिर प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूची एक को सूची दो से इसका मिलान करना है। तो चरक जो थे वो थे चिकित्सा से संबंधित। ठीक है, और जो बराह मिहिर थे वो थे ज्योतिषा, वो ज्योतिषी थे। उसके बाद जो भास्कराचार्य थे वो थे गणितज्ञ। जो विशाख दत्त थे वो एक नाटककार थे। अर्थात इसमें जो दूसरा ऑप्शन है 2, 4, 3 और 1, यही आपका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और मिलान का प्रश्न आ गया कि सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका मिलान का है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे जो बराह मिहिर हैं ये रचनाकार हैं बृहत संहिता के। ठीक है, और जो विशाख दत्त हैं वो रचनाकार हैं देवी चंद गुप्तम के। ठीक है, उसके बाद जो शूद्रक हैं वो रचनाकार हैं मृक्ष कटिकम के। जो बिल्हण हैं वो रचनाकार हैं विक्रमादेव चरित के। ठीक है, इस तरीके से जो आपका उत्तर सही होगा वह है 3, 4, 2 और 5। ठीक है, 3, 4, 2 और 5 ये आपका उत्तर सही है। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका बी वाला ऑप्शन यही सही था। चलिए अब आगे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूक
थुरिया एवं कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन देखिए, इब्न खुरदाबद, दूसरा अलबरूनी, तीसरा सुलेमान, चौथा अला मसूदी। इसमें आपको बताना है कि किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूक, थुरिया एवं कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया। तो देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है इब्न खुरदा दब, ए आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 19 में, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? ऑप्शन भवभूत, दूसरा भारवी, तीसरा भरत, चौथा मतन। इसमें आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था। ठीक है, चलिए इसमें जो उत्तर है वह है भरत मुनि ने, इसके रचनाकार थे। ठीक है, नाट्य शास्त्र को पांचवें वेद के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 20 है, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन रुद्र सेन दूती, दूसरा प्रवर सेन दूती, तीसरा नरेंद्र सेन, चौथा पृथ्वी सेन दूती। इसमें आपको बताना है कि संस्कृत काव्य सेतुबंध बंद ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन देखिए, प्रवर सेन दूती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 21 पे कि मिताक्षरा का रचयिता कौन था? ऑप्शन चंद्रोसे, दूसरा विज्ञानेश्वर, तीसरा हेमचंद, चौथा धर्मपाल। इसमें आपको बताना है मिताक्षरा के रचयिता कौन थे। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर सही होगा बी ऑप्शन है, विज्ञानेश्वर। ठीक है, जो विज्ञानेश्वर थे एक कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्टम के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने याज्ञवल्क स्मृति पर टीका नहीं लिखी? ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है। यहां पे देखिए ऑप्शन विश्वरूप, दूसरा मेघातिथि, तीसरा विज्ञानेश्वर और चौथा अपराध। इसमें आपको बताना है कि याज्ञवल्क स्मृति पर किसने टीका नहीं लिखी। तो इसमें देखिए जो उत्तर है वह है मेघातिथि। मेघातिथि ने याज्ञवल्क स्मृति पर कोई भी टीका नहीं लिखी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 पर यहाँ पे देखिए फिर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क स्मृति पर टीकाकार नहीं? ऑप्शन देखिए, विश्वरूप, दूसरा अपरार्थ, तीसरा विज्ञानेश्वर, चौथा कुल्लुक भट्ट। इसमें आपको बताना है कि याज्ञवल्क स्मृति का टीकाकार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कुल्लुक भट्ट है ये इसके टीकाकार नहीं है। ठीक है, जो कुल्लुक भट्ट है ये मन स्मृति के टीकाकार जाने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक, ऑप्शन देखिए चालुक्य राजा थे, दूसरा परमार राजा थे, तीसरा शिलाहार राजा थे, चौथा वाकटक राजा थे। इसमें आपको बताना है कि याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक क्या थे? तो ऑप्शन देखिए ये थे शिलाहार राजा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि प्राचीन काल में बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द थे। ऑप्शन देखिए, व्यक्ति, दूसरा शुल्क, तीसरा सुंदर, चौथा बिष्टि। इसमें आपको बताना है कि प्राचीन काल में बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द थे। तो इसमें देखिए जो आपका उत्तर है वह है एक व्यक्ति शब्द है, दूसरा बिष्ट शब्द है। ठीक है,
व्यक्ति और विष्ट अर्थात जो पहला जो जो दूसरा ऑप्शन है, एक और चार, यही आपका उत्तर सही है। ठीक, ये आपका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम था। ऑप्शन देखिए, कामरूप का, दूसरा मेघालय का, तीसरा असम का, चौथा शिलांग का। इसमें आपको बताना है कि प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम था। देखिए जो उत्तर है वह है असम का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है। तो ऑप्शन देखिए, उड़ीसा की, दूसरा तमिलनाडु की, तीसरा गुजरात की, चौथा उत्तर प्रदेश की। इसमें आपको बताना है जो गोपुरम, प्रश्न संख्या 27 है, कि गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है। ठीक, देखिए जो उत्तर होगा वह है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मंदिरों की जो विशेषता है गोपुरम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, काकनाद बोट महाविहार कहाँ स्थित था। ऑप्शन सांची में, दूसरा मथुरा में, तीसरा प्रतिष्ठान में, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए इसमें जो उत्तर है वह है सांची में। सांची का जो प्राचीन नाम है वह है काकनाद बोट। ठीक है, सांची को महाचैत्यागिरी भी कहा जाता है इस तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 कि दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखिए, नागार्जुनकोंडा, दूसरा अमरावती, तीसरा गुम्मीडरू और चौथा है फनगिरी। इसमें आपको बताना है कि दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको उत्तर बताइए। देखिए इसमें जो उत्तर आपका होगा वह है नागर अर्जुन कोंडा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे। तो ऑप्शन देखिए, चिंगतु, दूसरा चिनलिन, तीसरा यिंतु, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि चीनी लोग भारत को किस नाम से जानते थे। देखिए इसमें जो उत्तर हुआ है यिंतु, यिंतु नाम से चीनी लोग भारत को जानते थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 कि कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य है। ऑप्शन देखिए, तेलुगु में, दूसरा तमिल में, तीसरा मलयालम में, चौथा कन्नड़ में। इसमें आपको बताना है कि कंबन की जो रामायण है एक क्लासिक साहित्य है। तो जो इसमें उत्तर है वह है तमिल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम 12वीं सदी में तमिल में रामायण का अनुवाद इरामावतारम किस नाम से, इरामावतारम नाम से कंबन ने किया था। आगे चल करके मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद, अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी और शाहजहां के समय में इब्न हरकरण ने किया था। बंगला में रामायण का अनुवाद कृतवास ने किया था, जिसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। इस तरीके से देखिए, जो कृतवास थे, कृतवास को सर्वप्रथम बंगाल का एक सुल्तान था बारबक शाह, उन्हीं के दरबार में इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ था। चलिए आप देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 32 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था। ऑप्शन देखिए, महमूद गजनवी, दूसरा मोहम्मद घोरी, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा बख्तियार खिलजी। इसमें आपको बताना है कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था।
तो यहाँ पे जो उत्तर सही हुआ है बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 33 प्रश्न है कि बौद्ध स्तर नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया। ऑप्शन आर डी बनर्जी, दूसरा डॉक्टर मैके, तीसरा डॉक्टर स्टीन, चौथा डॉक्टर स्पूनर। इसमें आपको बताना है कि बौद्ध स्तर नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया था। यहाँ पे जो उत्तर सही वो डॉक्टर स्पूनर महोदय हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है प्लूटार्क लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज की इंडिका, तीसरा है प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रैबो के एनाबेसिस। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर जो पुस्तक है वो उसने नहीं लिखा था। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और सॉरी माफी चाहते हैं इसके लिए। तो इसमें प्लूटार्क ना हो करके इसमें जो आपका जो उत्तर होगा वह है स्ट्रैबो एनाबेसिस। ठीक है, ये जो एनाबेसिस है ये इसमें सही उत्तर है। ठीक है, देखिए जो स्ट्रैबो हैं इनकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफी। क्या नाम है? जियोग्राफी। ठीक है, ये आपका उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन देखिए नालंदा, पहला ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। दूसरा ऑप्शन देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए। ऑप्शन देखिए केवल एक सही है, दूसरा केवल दो सही है, तीसरा एक और दो दोनों सही है, चौथा एक ना तो एक सही है ना दो सही है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है एक और दो दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में भारत के एक प्रमुख है शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। पाल वंश के शासकों ने दोनों शिक्षा संस्थानों को अपना संरक्षण प्रदान किया था। पाल शासक देवपाल के समय में जावा और सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ का निर्माण करवाया था। अब 1203 ईस्वी के आसपास 1203 ईस्वी के आसपास एक मुस्लिम आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी, उसने दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कागज का प्रचलन भारत में किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन देखिए अंग्रेज, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा चीनी, चौथे अरब। इसमें आपको बताना है कि भारत में कागज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है अरब। अरब ने भारत में सबसे पहले कागज का प्रचलन किया था। ठीक है, अब देखिए कागज पर सर्वप्रथम पांडुलिपि शतपथ ब्राह्मण 1089 ईस्वी में कश्मीर में लिखी गई थी। गुजरात से कागज पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथ का प्राचीन साक्ष्य 13वीं शताब्दी से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जब आया, दिल्ली सल्तनत के समय में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने फरमान के लिए कागजों का प्रयोग करना शुरू किया था। अमीर खुसरो जो थे उन्होंने सादा, शमी और रेशम प्रकार के कागजों का उल्लेख किया है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 37। इसमें देखिए प्रशस्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, ये कि यह एक शिलालेख था, दूसरा यह एक तांबे की तस्तरी थी, तीसरा ऑप्शन है यह धातु की तस्तरी पर एक राष्ट्रीय चार्टर था, चौथा ऑप्शन राजा की स्तुति। इसमें आपको बताना है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपको उत्तर सही होगा वह है यह राजा की स्तुति था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है येलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट, दूसरा महाबलिपुरम पल्लव, तीसरा खजुराहो चंदेल और चौथा जो है एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं मौर्यों ने नहीं बनवाई थी बल्कि इसे राष्ट्रकूट शासकों ने इसे बनवाया था, अर्थात जो चौथा ऑप्शन ये आपका सही सुमेलित नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। ठीक, ऑप्शन देखिए इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, दूसरा विक्रम संवत का आरंभ, तीसरा चतुर्थ बौद्ध संगीति, चौथा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। में आपको बताना है कि ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं। तो यहां पे देखिए जो आपको उत्तर है वह है चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह ईसा पूर्व की घटना नहीं है बल्कि जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासक कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है टॉलमी जियोग्राफाइट, दूसरा भास और तीसरा कुमारलक कल्पना नाम मंडित टीका और चौथा अश्वघोष बुद्धचरित। इसमें आपको देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही नहीं है वह है भास। भास ने सौंदरानंद की रचना नहीं की थी जबकि जो सौंदरानंद पुस्तक है इसके जो रचनाकार हैं वो थे अश्वघोष। ठीक है, जो भास की रचना की बात की जाए तो भास ने स्वप्नवास दत्ता नामक ग्रंथ जो पुस्तक है उसकी रचना इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, नीचे दिए गए सूची एक को सूची दो से सॉरी नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है जिसमें देखिए कि पहला है सुर पार्क, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है गिरनार, तीसरा नाने घाट, चौथा भृगु कक्ष। इसमें देखिए क्या है, इनमें कौन से स्थान समुद्री बंदरगाह थे। ठीक, ऑप्शन दो और तीन, दूसरा ऑप्शन तीन चार, तीसरा ऑप्शन दो और चार, चौथा ऑप्शन एक और चार। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो समुद्री बंदरगाह थे। ठीक है, देखिए इसमें जो चौथा ऑप्शन एक और चार अर्थात सुरपार्क और जो भृगुकक्ष थे ये दोनों बंदरगाह हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कि फुवो कुआ की एफहियान की पुस्तक है, दूसरा ऑप्शन है सी यू की, आगे दिया है सुआन त्यांग, ठीक है, उसके बाद दिया है हाउ हांसू इत्सिंग और जोग्राफिकम या स्ट्रेपो।
इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है हाउ हान सु। जो हाउ हान सु है इसके जो रचनाकार वो इत्सिंग नहीं है, जो तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 43 के रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन किस चीनी यात्री की पुस्तक का जापानी विद्वान ताकाकुसुने के द्वारा अनुवाद किया गया। ऑप्शन फायन के द्वारा, दूसरा सुंगेन के द्वारा, तीसरा हुएनसांग, चौथा इतिसिंग। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन किस चीनी यात्री की जापानी पुस्तक का ताकाकुस के द्वारा अनुवाद किया गया। ठीक है, ठीक है, इसमें जो उत्तर है वह है इतिसिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए मिलान का आ गया। यहाँ पे सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो जेतवन है वो अनाथ पिंडक से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो वैशाली है वो आम्रपाली, वैशाली अर्थात आम्रपाली, ध्यान दीजिएगा थोड़े शब्द मिल रहे हैं। अब पाटलिपुत्र ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, अजात शत्रु। उसके बाद जो बोध गया है यह सुजाता, अर्थात इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है ऑप्शन दो। दो एक चार और तीन, ये आपका उत्तर सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 45 पे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडी के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था। ऑप्शन अर्कामेडु, दूसरा बारबेकियम और तीसरा कोरकई, चौथा तमलिप। इसमें आपको बताना है कौन सा बंदरगाह पोडी के नाम से पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें जो उत्तर सही हुआ है अरिका मेडू। ठीक है, जो अरिका मेडू है इसे आज के समय पांडिचेरी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 46 पे भारत में रोमन बस्तियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अरिका मेडू, दूसरा ताम्रलिप्ति, तीसरा अभ्रक, चौथा बारबेकियम। इसमें आपको बताना है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से प्राप्त होते हैं। इसमें जो आपका उत्तर है वह है अरिका मेडू से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47, मोगलाजपुरम के चित्र किस वंश से संबंध रखते हैं। ऑप्शन देखिए चेर से, दूसरा पल्लव से, तीसरा सिंद्रक से, चौथा विष्णु कुंडिन से। इसमें आपको बताना है कि मोगलाजपुरम के चित्र किस वंश से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका जो उत्तर हुआ है विष्णु कुंडिन से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 48 पर इसमें निम्न युग में कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन देखिए चंपा अनाम, दूसरा सुमात्रा श्री विजय, चौथा श्याम श्री क्षेत्र और चौथा कंबोडिया यशोधरा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर सही है वह है श्याम श्री क्षेत्र, यही आपका युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है। लेकिन बर्मा का जो प्राचीन नाम है वह श्री क्षेत्र था, ध्यान दीजिएगा जो बर्मा है उसका नाम था श्री क्षेत्र। ठीक है, श्री क्षेत्र को हंसावती के नाम से जाना जाता था, जिसे इंद्रदीप के नाम से भी जाना जाता था। जो श्याम नाम है, ये जो नाम है इसे थाईलैंड या थाईलैंड का पुराना नाम है। ठीक है, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है, जबकि श्री क्षेत्र का नाम क्या है बर्मा।
ठीक है, ये जो वर्मा है ये इसका नाम था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49 पे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, देखिए भररुचि स्मृति चंद्रिका, दूसरा हरिदत्त गौतम मिताक्षरा, तीसरा ऑप्शन है विज्ञानेश्वर मिताक्षरा और चौथा है हिमाद्री चतुर्वर्ग चिंता मणि। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है भररुचि, यही आपका उत्तर सही नहीं है, क्योंकि स्मृति चंद्रिका जो है इसके रचनाकार जो है वह है देवंग भट्ट हैं। जो देवंग भट्ट हैं वो स्मृति चंद्रिका के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखिए, भट्टीपोर्लु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? ऑप्शन चांदी से, दूसरा तांबा से, तीसरा सोना से, चौथा जिंक से। ठीक है, जो भट्टीपोर्लु अभिलेख है किस धातु से निर्मित था? इसमें जो आपका उत्तर है वह है चांदी से। जो भट्टीपोर्लु अभिलेख है चांदी से निर्मित था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 51 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए, पहला है वैदिक साहित्य धर्मसूत्र, दूसरा पुराण मनवंतर, तीसरा बौद्ध साहित्य मंजुश्री मूलकल और चौथा पाणिनि महाभाष। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें तो जो चौथा ऑप्शन है पाणिनि का, ये आपका उत्तर सही नहीं है, क्योंकि जो पाणिनि की है हुआ है अष्टाध्यायी, जो महाभाष्य है ये महाभाष्य या पुस्तक है पतंजलि की। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? ऑप्शन देखिए, स्ट्रैबो, दूसरा प्लिनी, तीसरा निरियाकस, चौथा टेसियस। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वृत्तांत है जो सिकंदर से पूर्ववर्ती है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, इसमें जो उत्तर सही हुआ है टेसियस। जो टेसियस थे इन्होंने अपना जो वृत्तांत लिखा यह सिकंदर के पूर्व लिखा था। ठीक है, अगर सिकंदर के पूर्व के इतिहासकारों के विषय में जो विद्वान है अगर उनकी चर्चा करें तो उसमें नाम है स्काइलैक्स, दूसरा हेकेटियस, तीसरे हैं मिलेट्स, चौथे हैं हेरोडोटस, उसके बाद है टेसियस। ये जितने नाम बताएं ये सब सिकंदर के पूर्ववर्ती विद्वान थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुरजुल जहाब का लेखक कौन था? ऑप्शन अल मसूदी, दूसरा सुलेमान, तीसरा अल बिलादुरी और चौथा अल बरूनी। इसमें आपको बताना है कि मुरजुल जहाब का लेखक कौन था। ठीक है, तो इसमें जो देखिए उत्तर सही हुआ है अल मसूदी। जो अल मसूदी थे उन्होंने मुरजुल जहाब नामक पुस्तक के रचनाकार थे। ठीक है, चलिए अब देखिए 54 पर भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? ऑप्शन देखिए, स्काइलैक्स, दूसरा एरिस्टोटल, तीसरा मेगास्थनी, चौथा ऊपरी लिखित में से कोई नहीं। इसमें आपको बता रहे भारत का उल्लेख करने वाला पहला ग्रीक लेखक कौन था। तो देखिए इसमें जो उत्तर सही होगा वह है स्काइलैक्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 55 पर कि निम्नलिखित में से कौन सिक्कों का सबसे छोटा अंश है? ऑप्शन देखिए, द्रव्य, दूसरा अर्धद्रव्य, तीसरा पादद्रव्य, चौथा विंशोपक। इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें देखिए
जो सिक्कों का सबसे छोटा अंश था वह था बिंसो पक। ठीक है, ये बिंसो पक था। चलिए अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 56 है। निम्न में से कौन वजन की सबसे छोटी इकाई थी? ठीक है, सबसे छोटी इकाई के विषय में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, कर्षापण, दूसरा माशक, तीसरा पल, चौथा कृष्णल। इसमें आपको बताना है कि वजन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर सही हुआ है कृष्णल। ठीक है, देखिए गुंजा के जो बीज होते थे वो कृष्णल जो थे, कुन्नल जो थे, कृष्णल जिसे कहा गया है, को ही रत्ती या रत्तिका के नाम से जाना जाता था। भारतीय माप बांट की आधारभूत की सबसे छोटी इकाई से माना जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 57 पे अगस्टस जिसके स्वर्ण सिक्के भारत में मिले हैं, शासक था? ऑप्शन मिस्र का, दूसरा ईरान का, तीसरा रोम का, चौथा मेसोपोटामिया का। इसमें आपको बताना है कि अगस्टस जिसके सिक्के स्वर्ण सिक्के भारत में मिले हैं वो कहाँ का शासक था? देखिए वह अगस्टस जो था वह रोम का शासक था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोयम्बटूर के पुंडुकुल्लू से प्राप्त बृहद पाषाण समाज से रोमन शासक अगस्टस का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो सुदूर दक्षिण के पांड्य शासकों ने अगस्टस के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए। 58 का द्रोण एक माप था। ऑप्शन देखिए, तरल पदार्थों के लिए, दूसरा कीमती धातुओं के लिए, चौथा है, तीसरा ऑप्शन है अनाज के लिए, चौथा है भूमि के लिए। इसमें आपको बताना है कि द्रोण एक माप था। अब देखिए यहाँ पे जो उत्तर है वह है अनाज के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखिए अंगोरवाट, अंकोरवाट, कंबोज, बोरोबुदुर, जावा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है लिंगराज मंदिर उज्जैन, और दशा अवतार मंदिर देवगढ़। इसमें आपको बताना कौन सा उत्तर सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है लिंगराज जो मंदिर है या उज्जैन में ना स्थित होकर के या भुवनेश्वर में स्थित, कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाग्भट ने चिकित्सा शास्त्र पर किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन देखिए, अष्टांग संग्रह, दूसरा है नवनीतिकम, तीसरा ऑप्शन है मेल संहिता, और चौथा है सुश्रुत संहिता। इसमें आपको बताना वाग्भट ने चिकित्सा शास्त्र पर किस ग्रंथ की रचना की थी? ठीक है, इसमें जो उत्तर है वह है अष्टांग संग्रह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि चीनी यात्री शाहयान की यात्रा विवरणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन देखिए, विल्फ्रेड एच स्कॉफ ने, दूसरा जेम्स लेगे ने, तीसरा जे तकाकुसु ने, और चौथा ऑप्शन है वाटर्स ने। इसमें आपको बताना चीनी यात्री शाहयान की यात्रा विवरणों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए इसमें जो उत्तर है वह है जेम्स लेगे ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 62 पर कि अतरंज खेड़ा के उत्खनन के फलस्वरूप कितने सांस्कृतिक कालों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा है 7। इसमें आपको बताना है कितने आप यहाँ पे सांस्कृतिक कालों से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सही हुआ है 7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
यहाँ पे देखिए द प्रश्न संख्या 63 है कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया पुस्तक के लिए पुस्तक लिखा था, ऑप्शन मार्टिमर व्हीलर, दूसरा बी सुब्बा राव, तीसरा बीबी लाल, चौथा डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। इसमें आपको बताना है कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया पुस्तक लिखा था, ठीक है। इसमें जो उत्तर सही हुआ है चौथा ऑप्शन डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 64 पे कि उत्तरी केरल के 11वीं शताब्दी के मूषिक राजवंश का विवरण लिखा गया, ऑप्शन देखिए इलंगोवादिगल द्वारा, दूसरा तोलक्का पीयर द्वारा, तीसरा आरुल द्वारा, चौथा शीतले सत्यनाथ द्वारा। इसमें आपको बताना है किसके द्वारा मूषक राजवंश के विषय में लिखा गया। इसमें जो आपको उत्तर सही हुआ है आरुल द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किया था, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया है वह भरत ने, दूसरा जयदेव ने, तीसरा पिंगल ने, चौथा पुरुरवा ने। देखिए यहाँ पे ये उत्तर थोड़ा गलत था, इसीलिए आयोग ने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। तो इसके विषय में अगर आपको जानकारी दे दें कि दशमलव प्रणाली की विज्ञान का प्रारंभ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय मान में किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में विभक्त कर प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान एवं एक स्थानीय मान दिया जाता था, ठीक है। अंग्रेजी शब्द जो डेसिमल है दशमलव 10 से संबंधित था, लैटिन शब्द डेसिमिलिस से निर्मित है। सबसे पहले पिंगलाचार्य जो है पिंगल महोदय ने अपनी पुस्तक छंद शास्त्र में प्रत्येक छंद को द्विधारी अंकों में लघु एवं गुरु में जोड़ा था। सर्वप्रथम उन्होंने शून्य शब्द का प्रयोग बिंदु प्रतीक के रूप में किया था। ऐसे में प्रबल संभावना बनती है कि सर्वप्रथम पिंगल महोदय ने, ठीक, दशमलव के स्थानीय मान के साथ शून्य का बिंदु प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। लेकिन एक अन्य आधुनिक जो शोध हुए हैं उसके अनुसार इस पूजी ध्वजा द्वारा संस्कृत में लिखित यवन जातक में दशमलव पद्धति के उल्लेख का प्राचीनतम साहित्यिक ऐतिहासिक प्रमाण बताया है। पिंगल को बाइनरी संख्या का जन्मदाता माना जाता है। देखिए इसमें जब कुछ क्लियर आयोग को नहीं हुआ तो उन्होंने इस प्रश्न पर स्टार लगा दिया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ, ठीक है। ऑप्शन देखिए पूर्व वैदिक काल में, दूसरा उत्तर वैदिक काल में, तीसरा जैन काल में, चौथा बुद्ध काल में। तो इसमें देखिए जो उत्तर हुआ है बुद्ध काल में खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 67, यहाँ पे मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है, ऑप्शन देखिए मोहनजोदड़ो, दूसरा गनेलीवाल, तीसरा कायथा, चौथा बसाल। इसमें आपको बताना कौन सा उत्तर सही। देखिए यहाँ पे जो उत्तर है वह है बसाल। यहाँ पे थोड़ा उत्तर पता चल जा रहा था जो है बसाल है। तो यहाँ पे चलिए अगर हम बसाल की बात करें, बसाल को और किस नाम से जाना जाता था, जो बसाल है इसे वैशाली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी। देखिए वही प्रश्न यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे अभी हमने बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे पिंगल है, दूसरा गार्गी है, तीसरा जनक है, चौथे आर्यभट्ट।
यहाँ पे भारतीय गणतज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज करने की बात की गई है। यहाँ पर देखिए आर्यभट्ट ने दशमलव का उल्लेख किया, आर्यभट्ट ने दशमलव का उल्लेख किया है, उल्लेख किया ना कि खोज किया है। जो आर्यभट्ट है उन्होंने दशमलव का प्रयोग किया है, ठीक है, न कि उन्होंने खोज की थी। आर्यभट्ट गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे, ठीक है। आर्यभट्ट ने वर्ष की लंबाई 365 दिन की और सर्वप्रथम पाई जो है उसका सही प्रयोग उन्होंने बताया था। तो इस तरीके से, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन देखिए, पुष्यभूत वंश के द्वारा, दूसरा वर्मन वंश के द्वारा, तीसरा पाल वंश के द्वारा, चौथा सेन वंश के द्वारा। इसमें आपको बताना है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा कराई गई थी। देखिए इसमें जो उत्तर सही हुआ है पाल वंश के शासकों द्वारा, ठीक है। जो विक्रमशिला महाविहार है इसकी स्थापना जो जिस शासक ने की उसका नाम था धर्मपाल, ठीक है। जो विक्रमशिला है यह तंत्रयान विद्या की एक प्रमुख विद्यालय हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 70 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन, कुमार गुप्त ने, दूसरा हर्ष ने, तीसरा धर्मपाल ने, चौथा विजय सेन ने, ठीक है। इसमें आप उत्तर बताइए। इसमें जो आपका उत्तर है वह है धर्मपाल ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था। ऑप्शन देखिए, उज्जैनी में, दूसरा तक्षशिला में, तीसरा नालंदा में, चौथा भागलपुर में। इसमें आपको बताना है कि विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था। तो ये देखिए जो उत्तर है वह है भागलपुर में, जो बिहार का भागलपुर है वहां पे पत्थरघाट पहाड़ी है, ठीक है, अंतीचक में यह स्थित था, ठीक है। अब देखिए 72 पे प्रश्न क्या है, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है। ऑप्शन देखिए, पल्लव की, दूसरा चोल की, तीसरा चालों की, चौथा पांडे की। इसमें आपको बताना तंजौर की जो प्रसिद्ध नटराज मूर्ति है किसके समय की भारतीय कला की एक प्रमुख धरोहर है। देखिए जो उत्तर है वह है चोल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे। ऑप्शन, कुमारपाल, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा विद्याधर, चौथा जयसिंह सिद्धराज, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपको उत्तर सही होगा वह है जयसिंह सिद्धराज के दरबार में महान जैन विद्वान हेमचंद निवास करते थे, ठीक है। अगर हेमचंद के जन्म की बात करें तो इनका जन्म अहमदाबाद में 1088 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी हेमचंद ने, उनकी उपाधि थी कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 74, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे। ऑप्शन, गर्भगृह, दूसरा मंडप, तीसरा शिखर, चौथा तोरण द्वार। इसमें आपको बताना है कि जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तर सही हुआ है मंडपम, ठीक। चलिए प्रश्न के 75 देखिए कि धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, विष्णु ने, दूसरा अंगिरस ने, तीसरा मेघा थे, चौथा उषना ने, ठीक है।
यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वह है मेधा तिथि में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखिए एरड़ से, दूसरा जूनागढ़ से, तीसरा मंदसौर से, चौथा सांची से। ठीक है, यहाँ पे आपका जो उत्तर हुआ है एरड़ से। देखिए भानुगुप्त का एरड़ जो अभिलेख है वह 510 ईस्वी में लिखा गया था। इसी में सबसे पहले सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें हूड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है जिनमें लड़ते हुए भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मर गया था। गोपराज की पत्नी फिर इसके साथ सती हो गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या जो 77 है, तो थोड़ा बड़ा प्रश्न है कि इसमें भक्तानुरक्ता च प्रिया च कांता भार्या व लग्नानुगताग्नि राशिम के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें दिया है कि यह विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। दूसरा, यह गुप्त काल में विधवा दाह या अंतिम संस्कार का एक अभिलेखीय प्रमाण है। अब इसमें देखिए नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा उत्तर सही है उसका आपको चयन करना है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही हुआ है केवल दो, अर्थात यह गुप्त काल में विधवा दाह तथा सती प्रथा का एक अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना था। पहला ऑप्शन कालिदास, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा शूद्र, चौथे भास्कर। इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे महाकवि है जिन्होंने सती प्रथा का विरोध करते हुए उसको आत्महत्या माने थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर है वह है बाण भट्ट। अब आपको बता दें कि सती प्रथा का विरोध करने वाले विद्वानों में बाण भट्ट का नाम है, देव भट्ट का नाम है और मेघा तिथि, ये तीन हैं जिन्होंने सती प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है कि विधवा दहन का प्राचीनतम अभिलेखीय वर्णन खारवेल की 124 के हाथी गुम्फा अभिलेख में है। दूसरा ऑप्शन देखिए कि पुलकेशन द्वितीय के 635 के एहोल अभिलेख में भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तीसरा जो अभिलेख है कि भारत में सती का प्राचीनतम अभिलेखीय वर्णन धनदेव के अयोध्या अभिलेख में मिलता है। और चौथा ऑप्शन देखिए भारत में विधवा दहन का प्राचीनतम अभिलेखीय वर्णन भानुगुप्त के गुफा संख्या 191 के एरड़ अभिलेख में मिलता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें जो चौथा ऑप्शन है एरड़ अभिलेख, वही से सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए श्रेष्ठन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें आपको बताना श्रेष्ठन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। ऑप्शन देखिए व्यापार में पूंजी लगाने वाले, दूसरा श्रेष्ठी के अध्यक्ष के, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा विनिमय करने वाले, चौथा शिल्पकार। इसमें आपको बताना श्रेष्ठ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन श्रेणी के अध्यक्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में देखिए कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के नालंदा आगमन पर वहां के किस विद्वान आचार्य ने उनका स्वागत किया था। ऑप्शन देखिए आतिश ने, दूसरा ऑप्शन है दीपंकर श्री ज्ञान ने, तीसरा रक्षित ने, चौथा शील भद्र ने। इसमें आपको बताना है
कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के नालंदा आगमन पर वहां के किस विद्वान ने उनका स्वागत किया था। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर सही है वह है शीलभद्र। शीलभद्र ने उनका स्वागत नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 82 पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन तक्षशिला, दूसरा उज्जैन, तीसरा नालंदा, चौथा बल्लभी। इसमें आपको बताना है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर है वह है तक्षशिला। ठीक है, देखिए तक्षशिला को विद्या की रानी तथा राजकुमारों का कॉलेज भी इसे कहा जाता था। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर 83 पर। किस श्रेणी कहते थे? ऑप्शन क्या, देखिए समाज के एक वर्ग को, दूसरा सैनिकों के पद के नाम को, तीसरा एक आभूषण को, चौथा व्यापार संघ को। अब आपको बता श्रेणी कहते थे। अब यहां देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हुआ है व्यापार संघ को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित शील प्राप्त हुई? ऑप्शन देखिए पिपराहवा, दूसरा काश, तीसरा देवदह, चौथा शालवन। इसमें आपको बताना है कि कपिलवस्तु महाविहारे अंकित शील प्राप्त हुई है। ठीक है, अब इसमें जो आपका ऑप्शन है जो उत्तर है वह है पिपराहवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? ऑप्शन नालंदा, दूसरा तक्षशिला, तीसरा विक्रमशिला, चौथा बल्लभी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो उत्तर हुआ है तक्षशिला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का 86 कि लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु में नैष्ठिक ब्रह्मचारी का उल्लेख किया है, यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन था? पहला ऑप्शन देखिए, एक छात्र को स्कूल केवल प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने जाता है। दूसरा है ब्रह्मचर्य आश्रम का नियमित विद्यार्थी। तीसरा ऑप्शन है जीवन पर्यंत छात्र। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि लक्ष्मीधर के कृत्य कल्पतरु में नैष्ठिक ब्रह्मचारी का उल्लेख किस रूप में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर से हुआ है जीवन पर्यंत छात्र, अर्थात जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता था उसे जीवन पर्यंत छात्र कहा जाता था। ठीक है, जो छात्राएं होती थी उसको ब्रह्मवादिनी एवं सद्योदहा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 87 प्रश्न देखिए है किस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दायाधिकार देने का उल्लेख किया? आप ऑप्शन देखिए, आप स्तंभ, दूसरा मनु, तीसरा नारद, चौथा गौतम। इसमें आपको बताना है किस स्मृतिकार ने स्त्री को दायाधिकार देने का उल्लेख करता है। देखिए जो उत्तर है वह है गौतम ऋषि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 पर नीचे कुछ धर्म ग्रंथों की सूची दी गई है। वो धर्म ग्रंथ देखिए क्या, कौन शतपथ ब्राह्मण है, दूसरा महाभारत, तीसरा मनुस्मृति, चौथा छंदोग्य उपनिषद। अब इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए इसमें जो महाभारत है और जो मनुस्मृति अर्थात जो और दो और तीन है, ये दोनों ग्रंथ वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं। ठीक है,
अगर वैदिक साहित्यों की बात की जाए, धर्म ग्रंथों की, तो उसके अंतर्गत वेद आते थे, ब्राह्मण आते हैं, आर्णक आते हैं, उपनिषद आते हैं, ये जो तमाम प्रकार के हैं इन्हें वैदिक ग्रंथों की श्रुति में शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न देखिए, 89 है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। ऑप्शन भुक्ति, दूसरा अग्रहार, तीसरा नगस्तर, चौथा अग्रश्रेणी। इसमें आपको बताना है कि प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दिए जाने वाले कर मुक्त गांवों को कहा जाता था, बताइए। देखिए जो उत्तर सही हुआ है अग्रहार, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 90 देखिए, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वह इसे कहते थे। ऑप्शन सिंधु, दूसरा इंडन, तीसरा सिंडन, चौथा हिंडन। इसमें आपको बताया यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से प्राप्त हुआ, वह इसे क्या कहते थे, बताइए। तो देखिए वह जो यूनानी थे कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। ठीक है, कपास का सबसे पहले जो उत्पादन हुआ वह मेहरगढ़ से हुआ, इसका साक्ष्य वहीं से प्राप्त होता है। अगर हम साहित्य की बात करें, साहित्यिक साक्ष्य की कपास की, तो सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी में कपास का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सप्तपदी का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन सात पग चलना, दूसरा सात प्रतिज्ञा या वचन निभाना, तीसरा किसी व्यक्ति के साथ सात पग चलना, चौथा उपयुक्त में से कोई। तो इसमें आपको बताना है कि सप्तपदी का सही अर्थ क्या है। देखिए इसमें जो उत्तर सही हुआ है सात प्रतिज्ञा या सात वचन निभाना। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 92 देखिए, ऐतिहासिक पुरास्थल भीटा के उत्खननकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए कनिंघम, दूसरा जॉन मार्शल, तीसरा मार्टिवर व्हीलर, चौथा ए घोष। इसमें आपको बताना है कि कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने भीटा का उत्खनन करवाया था। यहाँ पे देखिए जो जॉन मार्शल हैं इन्होंने भीटा नामक पुरास्थल का उत्खनन करवाया था। जो भीटा है यह इलाहाबाद के कुछ दूरी पर स्थित यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, इसी का जॉन मार्शल ने 1911-12 ईस्वी में और 1915 ईस्वी में इसका उत्खनन का करवाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 93 पर। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आर्णक, दूसरा है धर्मसूत्र, तीसरा है निरुक्त, चौथा है शुल्ब सूत्र। इसमें आपको बताना है कि कौन सा भारतीय ग्रंथ है जो गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। ऑप्शन देखिए और उत्तर इसमें है शुल्ब सूत्र। भारतीय ज्योतिषी का जो विकास हुआ वह शुल्ब सूत्र से माना जाता है। जो शुल्ब सूत्र है इसी में यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए माप के विभिन्न प्रकार के तरीकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सबसे पहले एक है थीबो ने रेखा गणित के इतिहास में शुल्ब सूत्रों के महत्व को जाना या उसका उल्लेख किया था। ठीक है, सबसे पहले बौधायन शुल्ब, सबसे प्राचीन जो है वह है बौधायन शुल्ब सूत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रंथ वेदी निर्माण हेतु माप का निर्धारण करता था। तो अभी हमने बताया तो वह था शुल्ब सूत्र, ही आपका उत्तर सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 95 पर कि संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेखीय प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखिए सांची में, दूसरा गिरनार में, तीसरा लुम्बिनी में, चौथा सरनाथ। इसमें आपको बताना है
कि संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख कौन था? तो इसमें देखिए जो आपका उत्तर सही होगा वह है गिरनार, गिरनार में, ठीक है, गिरनार में। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। ऑप्शन देखिए दिल्ली, दूसरा ग्वालियर, तीसरा कन्नौज, चौथा कालिंजर। इसमें आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन थी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपको उत्तर हुआ है कन्नौज में, ठीक है। अब थोड़ा आपको बता दें कि जो प्रमुख राजवंश है उनकी प्रमुख राजधानियां हैं, ठीक है। अब देखिए जो राष्ट्रकूट है इनकी जो राजधानी थी उससे वह थी मान्यखेट। जो होसल थे, होसल राजवंश है, उनकी जो राजधानी थी उसका नाम था द्वार समुद्र। जो पल्लव है उसकी राजधानी कांची थी। जो वाकाटक है उनकी राजधानी थी प्रवरपुर। जो कोकट का मौर्य वंश इसकी राजधानी थी पुरी या धारा पुरी। जो मैत्रक वंश है उसकी जो राजधानी थी वह थी वल्लभी। जो कदम्ब थे इनकी राजधानी थी वनवासी या वैजंती। जो काकती लोग हैं वंश था इनकी राजधानी थी अमकोंड, ठीक है। इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न थे उसको हमने सॉल्व करवाया। तो यहाँ पे आज जो प्राचीन इतिहास से संबंधित हमारा प्रैक्टिस बैच था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब जो अगला बैच होगा प्रैक्टिस सेट का वह चलेगा मध्यकालीन भारत, अर्थात जहाँ से तुर्कों का भारत में प्रवेश होता है, आक्रमण होता है, ठीक। वहाँ से अगला प्रश्न, अगला जो चैप्टर होगा प्रैक्टिस सेट का वो शुरू होगा। तो आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए।